स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, फ्लूड मुजेक मॉडल पार्ट टू फर्स्ट दलूड मुजेक मॉडल इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लूड मोजिक मॉडल जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लूड मोजिक मॉडल जो है ये निकलसन एंड सेंगर ने जब इसको प्रपोज किया दे प्रपोज दैट द लिपिड बाई लेर आर प्लाज मेबरन दे आर एक्चुअली नॉट रिजिड आरज हॉल स्ट्रक्चर दे आर एक्चुअली द फ्लूड स्ट्रक्चर इसके बाद उन्होंने जो दूसरा प्रीवियसली जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं उसके मुताबिक ये था कि जो लिपिड बाई लेयर है या सेल मैम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स की टू लेयर्स के दरमियान में लिपिड लेयर थी लेकिन सेंगर और निकलसन के जो फ्लूड मजे मॉडल है उसने इसको जो है वो तब्दील करते हुए कहा कि बेसिकली जो सेल मैम्ब्रेन हैं वो सिर्फ लिपिड्स की बाई लेयर्स हैं और प्रोटीन्स के मालिकल्स कहीं कहीं बीच के अंदर क्या है एम्बेडेड हैं इस फॉर्म में सो एक्चुअल जो सेल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन हैं दे आर मेड अप ऑफ द लिपिड बाई लेयर्स अब लिपिड्स बाई लेयर्स क्यों बनाते हैं जो सेल में सेल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैंब्रेन हैं वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती हैं वाई दे आर इन द फॉर्म ऑफ बाई लेर्स इसका आंसर ये है कि लिपिड बाई लेर्स बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मालिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड्स में आपको पता है कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है जबकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है तो हाइड्रोफोबिक टेल को वाटर के मालिकूल से बचाने के लिए, लिए लिपिड्स की टू लेयर्स जो हो है अरेंज होती हैं ताकि टेल्स दरम्यान में आ जाएं इस वजह से जो है दे फॉर्मा बाई लेयर प्रोटीन्स की पोजीशन जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कहा गया था प्रोटीन कंटिन्यूसली मौजूद होती हैं लेकिन जो फ्लूड मोजेक मॉडल इट इज एक्सप्लेनिंग दैट प्रोटीन्स मालिकूल्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक दैट शिप्स या फिर आइस जो सी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं तो द आइडिया इज के जिस तरह से एक सी है वाटर ही वाटर है तो इसका सेल मेम्रीन जो है वो फास्टफो लिपिड्स का या लिपिड मालिक्यूल का क्या है सी है और उसके अंदर कहीं कहीं क्या है कि प्रोटीन के मालिक्यूल जो है वो फ्लोट कर रहे हैं तो अब चूँकि तो लिपिड बाइलेयर जो है इट इज या फिर जो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं ये बेसिकली क्या है फ्लूड इन नेचर है फ्लूड मोजेक ये फ्लूड इन नेचर है तो इट मीन्स कि जो मालिकूल्स हैं दे आर कॉन्टेंटली चेंजिंग देयर पोजिशन तो लिपिड्स के स्पेशली जो लिपिड्स के मालिकूल्स हैं दे आर रैपिडली चेंज देयर पोजिशंस एक मालिकूल एक वक्त में यहाँ है अगले वक्त में आपको यहाँ मिलेगा उससे अगले वक्त में तो मालिकूल कॉन्स्टेंटली अपनी पोजिशन चेंज करते रहते हैं इट मीन्स जो लिपिड बाई लेयर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बेसिकली एक बड़ा डायनेमिक स्ट्रक्चर है एक रिजिड स्ट्रक्चर या एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है लेकिन मालिक्यूल्स की मूवमेंट के बावजूद लिपिड मालिक्यूल अपनी जगह चेंज करने के बावजूद दे रिटेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का एक यूनिफाम स्ट्रक्चर रहता है इसकी सिंपल रीजन मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये दो लेयर्स हैं लिपिड्स की बाई लेर लिपिड बाई लेयर है अब इस तरफ वाले जो मालिक्यूल्स हैं लिपिड के अगर वो अपनी पोजिशन चेंज करके यहाँ चला गया यहाँ चला गया तो जो उधर थे वो इस पोजिशन पर आ जाएंगे तो मालिक्यूल्स आर कॉन्सटेंटली दे आर कॉन्सटेंटली चेंजिंग देयर आर पोजिशन चेंज करते हैं लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेम रहेगा हेयर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूड म्यूजिक मॉडल अगर आप इस मॉडल को गौर करें सेल मेम्ब्रेन्स के जितने भी कॉन्टैक्ट फ्लुइड प्रोजिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास हैं फर्स्ट थिंग फ्लूड म्यूजिक मॉडल इज सेंग लिपिड इज बाई लेर लिपिड जो मेम्ब्रेन्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर बाई लेर तो यहाँ सिम बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि देर आर टू लेयर्स ऑफ लिपिड मालिक्यूल्स दोनों लेयर्स के अगर आप इसको एक्सप्लेन करें एक जो लेयर है इट इज़ एक्स एक्सपोज टू वर्ड द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज मौजूद है एक्वाटिक एन्वायरमेंट वाटर है इसी तरह जो आउटर इन्वायरमेंट है दैट इज आल्सो एक्वाटिक उस तरफ भी हमारे पास वाटर होगा तो अब दोनों लिपिड बाई के जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो हमेशा बाहर की तरफ एक्सपोज होंगे और ये ब्लू है कलर्स में आपको जो हेड्स नजर आए हैं दे आर एक्चुअली द हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग एंड्स हैं ये येलो कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं आप फो हाइड्रोफोबिक एंड्स ने चूँकि वाटर से अवॉइड करना है इसे दोनों जो हेड्स की लेयर्स बनेंगे इनके दरमियान में आकर ये क्या हो जाएंगे पैक हो जाते हैं एक्चुअली ये हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिपिड जो है बाई लेयर बनाते हैं और इससे जो टिपिकली अगर हमसे कोई ये पूछता है कि लिपिड्स मालिक्यूल या प्लाज्मा मैमब्रेन जो होती हैं जितनी भी प्लाज्मा मैम्ब्रेन हैं चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या किसी ऑर्गेनैली की मेमब्रेन है वाई इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाई तो इसका सिंपल सा आंसर यह है बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ के फॉसफोलिपर्स की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा दूसरा इसमें फॉसफोलिपर्स के बाद सेकेंड जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन मालिक्यूल्स वी आर सी हेयर लार्ज शिप लाइक या आइसबर्ग लाइक प्रोटीन्स ये लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल्स जो क्या करी है इसके जो फास्फोलिपर्स या लिपिड मालिकुल के जो एक सी है उसके अंदर क्या कर रहे हैं फ्लोट कर रहे हैं इसके साथ साथ आप फासफोलिपर्स के दरमियान में आपको ऑरेंज कलर के ये रिंग स्ट्रक्चर नजर आ आते आर बेसिकली द कोलेस्ट्रोल्स तो कोलेस्ट्रोल्स क्या करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होते हैं कहीं भी एक्सपोज नहीं होते और इनका बेसिक रोल होता है इसको थोड़ा सा इसकी परमेबिलिटी को यानी कि कह सकते हैं कि इसके हाइड्रोफोबिक नेचर को थोड़ा सा इंप्रूव कराती है जो कोलेस्ट्रोल मालिक्यूल है इनका बेनिफिट ये है कि ये सेल की परमेबिलिटी को जो है ना उसको मजीद कंट्रोल कर सकती है सेल मेमब्रेन जो है वो अदर देन अगर आप इसमें गौर करेंगे तो वी आर हैविंग हेयर कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स हैं और इसके अलावा जो है वी आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के मिलने से यहाँ फास्फोलिपिड्स बन जाए जो इसके ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से प्रोटीनस जो है वो बनेंगे वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लूड मोजिक मॉडल फ्लूड मोजिक मॉडल की इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम इन रियल देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स अगर सेल मेम्रेन जो है इट इज इफ इट इज नॉट फ्लूड इन नेचर इफ इट इज हार्ड या कहते ने हैं सॉलिड नेचर की है तो फिर इसमें से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल विल वे भी वेरी वे वे टफ ड्यू टू तो फ्लूडिटी फ्लूड होने की वजह से क्या है कि इसमें मटेरियल जो है देखा न इजिली मूव फ्राम आउटसाइड टू इन साइड एंड फ्राम इन साइड टू द आउटसाइड तो इसका हम सिंपल कह सकते हैं कि फ्लूड होने की वजह से जो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है इट इज ड्यू टू फ्लूडिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द इन फ्लूड मुझे एक मॉडल प्रोटीन्स आर नॉट फार्मिंग आ कंटीन्यूस लेयर विद लिपिड मालिक्यूल्स अब कंटिन्यूस लेयर प्रोटीन के ना होने का बेनिफिट क्या है आम तौर पर जो हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं वाटर को, जो लिपिड मालिक्यूल्स हैं उनको आसानी से क्रॉस कर जाएंगे तो इस केस में बिकॉज प्रोटीन्स आर नॉट फार्मिंग कॉन्टीन्यूस लेयर्स सो वाट जो लिपिड सालोमाल मालिक्यूल्स हैं लिपिड सालोवाल मालिक्यूल्स कैन ईजीली क्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स